वेलकम टू फरीद अकेडमी, दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे मैथ्स 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में सिमिलर ट्राइंगल्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पेज नंबर जो 16 पर दिया हुआ है कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं ABC और ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC और DEF में, तो अगर ट्राइंगल ABC और DEF में उसका जो एंगल है, यहाँ पर एंगल A इक्वल रहेगा एंगल D के, तो इफ़ इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC और DEF में अगर इफ़ एंगल ए ये क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल किसके, एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंड इफ़ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, एंगल ई के एंड एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, एंगल एफ के। तो तीनों एंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों थ्री एंगल्स के वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और उसके जो साइड्स है, साइड्स मीन्स ट्राइंगल के साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर AB है तो यहाँ पर DE है, यहाँ पर BC है तो यहाँ पर EF है, यहाँ पर AC है तो यहाँ पर DF है। तो ये इनका जो रेशो है, ट्राइंगल के साइड का रेशो, वो रेशो एक कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB बाय DE लिख लेंगे हम, यहाँ पर वो इक्वल रहना चाहिए किसके, AB बाय DE का रेशो किसके इक्वल रहना चाहिए, BC बाय EF के, और BC बाय EF का रेशो किसके इक्वल रहना चाहिए, AC बाय DF के। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए, AB की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर 5 है, और DE और आपका यहाँ पर DE की वैल्यू है 10। हम चेक करेंगे ये इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए BC 4 और EF 8, AC 3 और DF 6, सो 5 1 5 2 4 1 4 2 3 1 3 2, सो 1/2 = 1/2 = 1/2। तो अगर तीनों रेशो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के तीनों रेशो मीन्स AB बाय DE, BC बाय EF और AC बाय DF, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, और उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर लिख लीजिए आप एंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम और इक्वल। तो यहाँ पर जो रेशो है, यहाँ पर रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल और सेम और इक्वल। तो इस तरह रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखिए कि अगर 3-4 साइड का ट्राइंगल है और उसका हाइपोटेन्यूस 5 है, एंगल ये हमें सी एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका रहेगा, आपका ये डिग्री रहेगा 36.86 अप्रॉक्सीमेटली, और ये रहेगा 53.14। तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 53.14, और ये एंगल होना चाहिए 36.86, और ये एंगल 90 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल मीन्स इक्वल एंगल रहेगा, कॉन्ग्रुएंट का सिमिलर वर्ड है इक्वल एंगल, और रेशो साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। तो सिमिलरिटी के लिए ये कंडीशन है कि तीनों एंगल सेम होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जो रेशो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है वो कॉन्स्टेंट, इक्वल और सेम होना चाहिए। इस तरह ये सिमिलरिटी है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट है, जो रिकॉल लेट्स रिकॉल में हमको दिया हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।